पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार और प्राधिकरण सचिव अंजुलता द्वारा संयुक्त रूप से वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि हम सभी का दायित्व तो बनता है कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आए, तो सभी जिम्मेदार नागरिक इस जिम्मेदारी को समझते हुए वृक्षारोपण अवश्य करें। वृक्षारोपण करने के साथ साथ हम सभी का दायित्व ये भी है कि हम उन वृक्षों की परवरिश भी करें जो वृक्ष हम लगा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस है, मैं सभी शहरवासियों को, देशवासियों को इस दिन की बधाई देता हूँ। यह दिन जो है पूरी मानव जाति के लिए, जितने भी लोग इस धरती पर निवास करते हैं, उनके लिए एक बड़ा रिमाइंडर है कि किस प्रकार से जो है हमें अपने कंडक्ट को करना चाहिए, जिससे कि जो ये थाती हमें जो है अपने पूर्वजों से मिली है, वो हमारी आने वाली जनरेशन है, उसको भी हम इसी रूप में ट्रांसफर कर सकें। आप लोग जानते हैं कि इधर जो है क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन के बहुत सारे कंसर्न्स लगातार उठ रहे हैं, और अभी पिछले 2-3 वर्षों से आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम हो रहा है, ऐसी जगहों पर बाढ़ आ रही है जहाँ पर हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ऐसी जगह पर सूखा पड़ रहा है जहाँ पर जो है बहुत अच्छी बारिश हुआ करती थी। तो ये जो परिवर्तन है ये अत्यंत ही चिंतनीय है। ये 5 जून जो है, जो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ये एक बड़ा ग्रिम रिमाइंडर है हम लोगों को इस विषय पर चिंतन करने के लिए। तो मैं पूरी कम्युनिटी से भी आह्वान करता हूँ कि हर एक आदमी को जो है इसमें अपना छोटा ही सही योगदान देने की आवश्यकता है। पेड़, पानी और प्लास्टिक, मैं इन 3 P's के बारे में कहूँगा कि सभी इस पर चिंतन करें। प्लास्टिक का यूज कम से कम हो, पानी जो है उसको व्यर्थ न किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका संरक्षण किया जाए, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स है, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए। तो इस पर फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है, जो पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने पर्यावरण पर कम ध्यान देते हुए आज जिस स्थिति में पहुँचे हैं, उसको जो है बेहतर बनाने में निश्चित तौर पर मानव जाति अपना योगदान करेगी। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। तो वहीं प्राधिकरण की सचिव अंजुलता द्वारा कहा गया कि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है और उसकी रोकथाम के लिए अगर मानव जाति आगे नहीं आती है तो उसके परिणाम गलत होंगे, इसीलिए हम सब लोग आगे बढ़ें, पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण करें, पौधों की परवरिश भी करें, पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए काम करें, जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं। इस मौके पर चीफ इंजीनियर पंकज पांडे, संपत्ति अधिकारी RRP सिंह, विजय इलियास खान, संजय सत्संगी सहित प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सबसे पहले तो पर्यावरण दिवस की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज पर्यावरण के दिवस पर मैं सभी से ये अपील या आग्रह करना चाहूँगी कि हम सभी के जीवन का या हमारे जो कार्यशैली है उसका एक महत्वपूर्ण अंग पर्यावरण है, और ये न केवल हमारे लिए आवश्यक है बल्कि इसके बिना पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं है। तो मैं सभी से आग्रह करूँगी कि हम अपने आसपास के पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ रखें, अधिकतम वृक्ष लगाएं, जल का जो अतिशय जो उसकी हम लोग बर्बादी करते हैं वो ना करें, और प्लास्टिक जो है वो पर्यावरण का सबसे बड़ा शत्रु है, उसका न्यूनतम हम प्रयोग करें अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों में, और अधिक से अधिक हम कपड़े के थैले इत्यादि का उपयोग करें सामान आदि खरीदने के लिए, क्योंकि बहुत सारी अभी ऐसे दृष्टांत हम लोगों के सामने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं कि ऐसी जगहों पर भारत में भी, जैसे चेन्नई में या फिर बेंगलोर में जो वाटर क्राइसिस है, गर्मियों के दिनों में दिल्ली का जो हाल देखने को मिलता है, कल को यह समस्या एक के बाद एक सभी के सामने आने वाली है। तो हमारे जितने भी ये जो जल संसाधन है या फिर प्राकृतिक संसाधन है उनके प्रति हमें उसी तरीके से संवेदनशील होना है जैसे कि हम एक बच्चे की परवरिश करते समय उसको अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए हम कटिबद्ध होते हैं, वैसे ही पर्यावरण के प्रति हम संवेदनशील बने और उसके संरक्षण के लिए कटिबद्ध हों, तथा अपने जो हमारी आने वाली पीढ़ी है जो इस देश की कर्णधार बनेगी उसको पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।